अच्छा तो यार एक एजुकेशनल ट्रिप पे हम आए हुए थे, बेस्ट वे सीमेंट का प्लांट है हतार में, हतार है या जो भी है इस तरह का। अपडेट ये है कि हमने चाय पी ली है, टी क्या थी? फैंटास्टिक ब्रो। अच्छा टी वाज फैंटास्टिक। और उसके अलावा ये बॉक्साइट जितने भी एरिया है उनके मतलब स्पेसिफिक होते हैं ना, जो भी होता है रॉ मटेरियल अपने उधर चिकवाल में अपना अपना है, इधर अपना है, तो ये मतलब इसकी पाइल सबको मिक्स करके खास स्पेशल रेशियो होती है इसकी, जो मजीद रॉ मिल में जाके इसको पीसते हैं। तो इसमें जाके इसको पीसते हैं, पाउडर बन जाता है। ये रॉ मिल है, यहाँ पर पाउडर बनता है, बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है। फिर सक्शन के जरिए उसको ऊपर साइक्लोनों में ले जाके साइलो वगैरह में स्टोर करके फिर आगे किलन में मजीद वो पकता है। तकरीबन यही 1400-1450 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। किलन में तकरीबन ये 1450 से आगे जाता है कूलर में। हाँ जी ये सामने ये कूलर है, इसमें स्टोर हो जाता है। यहाँ पर जिप्सम आता है, ये क्रशर होता है। अच्छा और यहाँ पर पैकिंग होती है, ठीक है जी भाई अल्लाह हाफिज़। इस तरह यहाँ से सारा कुछ पैक होकर यहाँ पे सारा बाहर चला जाता है। अच्छा होता ये है कि यार सीमेंट आता है पहले बाहर, सीमेंट नहीं आता रॉ मटेरियल आता है बाहर से और उसको जाके तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, क्रशर में जिप्सम आता है, लाइम आता है, ये वो, उसके बाद में एक साइक्लोन टाइप वो गोल गोल सा जो घूमता है उसमें डालते हैं, तो डस्ट ऊपर चली जाती है और काम की चीज़ें नीचे चली जाती हैं और फिर कन्वेयर बेल्ट से एक किल में जाती हैं, वहाँ पर गर्म होती हैं, कूलर में जाती हैं कन्वेयर बेल्ट से, ठंडी होकर फिर स्टोरेज टैंक में चली जाती है, वहाँ पर फिर पता नहीं क्या घुमा शुमा के उसको सीमेंट बनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ला के पैक कर देते हैं। इतनी सी बात थी बस। सीमेंट बन के जब इसमें स्टोर होता है तो इधर सारे पैकेजिंग का सिस्टम है और वो पैकेट्स में बनते हैं, इस ट्रक के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है तो साथ साथ फिर नीचे ट्रक में आके ना लोड होता जाता है डिलीवरी के लिए। हुआ ये कि कोस्टर शुरू से चली है इसके फैक्ट्री के और बीच में बंदा बताता है कि ये चलो हैंड भी आके ख़त्म हो गया वापस आ जाओ। अगर इसको मैंने एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना होना तो अरे तेरी भाई ये रूम तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार। यार एक मुत्तफिका राय लेने चाहते हैं पूरी क्लास की कि यार इससे खुश हैं कि नहीं, बड़े को ये क्लास कैमरे के पीछे कह रहे थे। यार ये बेस्ट वे का गेट है, यहाँ से अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आते हैं। आगे से ट्रेन गुजर रही है तो जब ट्रेन गुजरती है तो ना रोड बंद कर देते हैं ताकि अगर ये बंद ना करें तो ट्रेन और गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा तो यार चार बजे बंद करना पड़ेगा। इस ट्रेन की तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान। यार ट्रिप कैसा था अहमद हसन खान? अच्छा नहीं था।
खाना खिला देंगे इसलिए मैंने क्लैपिंग की, मैंने खाना नहीं खिलाया यार, वो कह रहे थे कि खिलाएंगे। नहीं मैंने उधर खाना था। अच्छा इधर 150 में तो मेरा पेट ही भरता है यार। वैसे मजे की बात ये है कि अगर आज अल्लाह करे, अल्लाह ही करेगा बल्कि होगा इंशाल्लाह कि आज सबकी क्लास हो जाती है। कल भी पूरा क्लास है, जुमेरात वाले दिन भी पूरी क्लास है, जुमे वाले दिन भी पूरी। मैं कह रहा हूँ बुरान, अगर तू आर्मी में ना गया तो आर्मी बंद हो जाएगी। मदरसे ना जाता मौलाना जरील ना होता। मेरी कोशिश थी कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा अच्छा, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसे एक्सपेक्टेड था। हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। हम माजरत हुआ है इसलिए इसके लिए, लेकिन आइंदा से कोशिश करेंगे कि कोई प्रोडक्टिव चीज़ डालने की कोशिश करूँगी।